हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, कई स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जो PDF बनानी है वो कैसे बनानी, सर हमें बनाना नहीं आती, कौन कौन से ऐप का यूज करना है, कैसे क्या होगा। तो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप किस तरीके से आप जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के जो असाइनमेंट है उसकी PDF आप बनाओगे। हमने आंसर शीट जो असाइनमेंट की जो आंसर शीट है उनको स्कैन करके और उनको किस तरीके से PDF बनानी है। तो देखिए, इसके लिए मैंने जो वीडियो थी वो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, पर वो वीडियो ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए थी, पर वीडियो सेम है, ओनली थंबनेल का फ़र्क है। तो इसलिए मैं कोई नई वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि जिसमें स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाऊँ। आप एक काम कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो पहले जो ये जो आपको ये वीडियो दिख रही है जिसका ये थंबनेल है बेस्ट PDF स्कैनर ऐप, आप पहले इस वीडियो को देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे आप जाओगे आई बटन होगा उस पर क्लिक करोगे, नीचे इसका भी इस वीडियो का भी लिंक है। और ये दूसरा है 5 मिनट में PDF बनाए कैम स्कैनर, मतलब कैम स्कैनर चाइनीज ऐप था वो बंद हो गया, दूसरे ऐप से बना सकते हो। तो इन दोनों वीडियो को आप देख लें, पहली वीडियो में बेस्ट PDF स्कैनर ऐप और इस वीडियो में मैंने सारा प्रोसीजर बता रखा है किस तरीके से आपको स्कैन करनी है अपनी आंसर शीट और किस तरीके से आपको PDF बनानी है, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे आप जाना देख लेना, और स्टेप बाय स्टेप अगर आपको देखना है 6 मिनट की मात्र वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ये वीडियो क्यों देखना जरूरी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक तो बेस्ट PDF स्कैनर ऐप मिलेंगी जो बेस्ट है, मैंने सबसे अच्छे PDF ऐप इसमें सजेस्ट कर रखे है। दूसरा बेस्ट टूल टू कंप्रेस PDF, यानी अगर आपकी PDF 10 MB से ज़्यादा होती है तो उसे कंप्रेस कैसे करना है वो मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के थ्रू, नीचे लिंक है दोनों वीडियो का, आप दोनों पहले इसको देखें फिर इसको देखें, दोनों को आप देख लें, आपका जो PDF का जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देते, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि एक ही चैनल पर दो तीन वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप समझ ही सकते हो। ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है तो आप इसको देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर के लिए, तो आपके लिए नहीं है, काम सेम है बस थंबनेल का फर्क है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।